साल 2000 में आई आमिर खान की फिल्म मेला के विलन गुज्जर का किरदार तो आपको याद ही होगा। फिल्म में गुज्जर नाम के इस विलन ने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। इसी दहशत से भरे विलन का किरदार निभाया था अभिनेता टीनू वर्मा ने। उन्होंने इस दहशत भरे किरदार में खुद को इस कदर ढाला कि रियल लाइफ में भी लोग इनसे डरने लगे। इतना ही नहीं, इनके इस किरदार ने लोगों के दिलों पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि इनका गुज्जर वाला ये किरदार आज भी लोगों के दिमाग में है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके परिवार के इतिहास के बारे में जानते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनके परिवार में कौन कौन है और किस तरह से इन्होंने अपने उस परिवार से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनकी फैमिली हिस्ट्री बताकर देने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके परिवार के इतिहास के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही गुज्जर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुज्जर का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता टीनू वर्मा मुंबई के बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता बद्री प्रसाद जयदेव वर्मा, जिनकी कोई तस्वीर नहीं है, वो पेशे से एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की थी। पहली वाइफ से उन्हें टीनू सहित तीन बेटे थे, वहीं दूसरी वाइफ से भी उन्हें तीन बेटे थे, पर आज इनके वो पिता और माता इस दुनिया में नहीं है। वो काफी सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। माता पिता के बाद बात करते हैं इनके भाइयों के बारे में तो बता दें इनके दो सगे भाई हैं और तीन सौतेले। पहले बात करते हैं सगे भाइयों के बारे में, जिनका नाम है महेंद्र और पप्पू वर्मा। उनमें से महेंद्र एक एक्टर हैं जिन्होंने तेरे नाम और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं इनके दूसरे भाई पप्पू वर्मा फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने वंश और क्रोध जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। अब बात करते हैं इनके सौतेले भाइयों के बारे में, जिनका नाम है भीखू, जीतू और मनमोहन वर्मा। जिनमें से भीखू स्टंट परफॉर्मर हैं, वहीं जीतू एक एक्टर हैं जिन्होंने सोल्जर, सन ऑफ सरदार जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर विलन काम किया है। वहीं इनके भाई मनमोहन पेशे से एक स्टंट परफॉर्मर हैं। अब बात करते हैं इस फैमिली के स्टार के बारे में, टीनू वर्मा के बारे में, जिनका जन्म 2 सितम्बर 1989 को मुंबई में हुआ, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई वहीं से हुई। अगर बात करें इनके करियर के बारे में तो बता दें कि एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले टीनू को शुरू से ही एक एक्शन डायरेक्टर बनने का मन था। अपने इसी पैशन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने साल 1992 में फिल्म शोला और शबनम से बतौर एक्शन डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने खुदा गवाह और लूफर जैसी फिल्मों में बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर इसी बीच साल 1993 में इन्हें बतौर एक्टर फिल्म आंखें में काम करने का मौका मिला, जिसमें ये विलन का छोटा सा रोल निभाते नजर आए थे। साथ ही ये इस फिल्म में बतौर एक्शन निर्देशक भी काम कर रहे थे, पर फिल्म में इनके अभिनय को ज्यादा सराहा नहीं गया, जिसके बाद इन्हें आगे चलकर और भी कई फिल्मों में बतौर खलनायक काम करने का मौका मिला। इस तरह से इन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, पर इन्हें इनकी पहचान फिल्म मेला से मिली और वो भी विलन गुज्जर का किरदार निभाकर। इस किरदार के साथ ये इतने फेमस हुए कि लोग इन्हें इस किरदार के नाम से ही बुलाने लगे। इस फिल्म के अलावा टीनू ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी, गदर, बाज और गुलामी जैसे फिल्मों में भी अपनी खलनायकी का डर पैदा किया था, पर कुछ ही फिल्में करने के बाद इन्होंने हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वहीं आज भी ये फिल्मों से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो बता दें टीनू वर्मा ने अरेंज मैरिज की है। इन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की वीना वर्मा से शादी की है, जिनके साथ ये आज भी एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक समय पर टीनू शादीशुदा होने के बावजूद 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के प्यार में पड़ गए, पर इस बात से पर्दा तब उठा जब टीनू की पत्नी वीणा ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। तब मीडिया से बातचीत में ममता ने इसे एक असाधारण मुलाकात बताया था। हालांकि बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि टीनू और ममता के बीच न सिर्फ लव रिलेशन था, बल्कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, पर बाद में शादी वाली बात झूठी निकली। पर दोनों के बीच में वाकई लव रिलेशन था, लेकिन उसके बाद टीनू ने ममता से दूरी बना ली और अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीनू वर्मा ने अपने बिजनेस प्रोफेशन को छोड़कर एक्टर बनने का जो फैसला लिया वो ठीक किया या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।